Welcome back, guys. I'm Dr. Shiv, and today's topic is very inspiring. So, आज का जो मुद्दा है, मैं बात करने वाला हूँ, जो एक ये real story है. इससे क्या होगा कि हम युवाओं को एक इस जिंदगी को अच्छे से समझने और यहाँ लड़ने में हमें शक्ति मिलेगी. तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कैसे एक लड़की जिसको पोलियो मार चुका था पहले बचपन में ही, वो किस किन किन हालातों से जूझ कर आज वो डिप्टी कलेक्टर है. तो इस स्टोरी को बहुत अच्छे समझिएगा, इससे हमें लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं. तो मैं बात कर रहा हूँ कि एमपी के बैतूल के सुहागपुर गांव से एक लड़की जिनका नाम रजनी है और उनके पिता का नाम देवी प्रसाद वर्मा है, जो विकलांग होने के साथ साथ अपनी इस विकलांगता को उन्होंने कमजोरी नहीं मानी, अपने आप को पूरा पॉजिटिव रख के आज वो डिप्टी कलेक्टर हैं. तो कैसे उनकी रही ये डिप्टी कलेक्टर बनने तक की स्टोरी, तो देवी प्रसाद वर्मा जी जो खुद एक ग्रेजुएट थे, वो पढ़ाई का महत्व समझते थे, उनके दो बेटियां और एक लड़का था है मतलब, तो हमेशा रजनी के ऊपर, वो विकलांग थी जैसे, बेचारी चल नहीं पाती थी, लाठी के सहारे से स्कूल जाती थी, बड़ी कठिनाई से वो अपनी लाइफ मैनेज कर रही थी. अक्सर लोग जो लोग हमेशा बोलते हैं, आप समझते हैं ये सब चीज़ें, अक्सर लोगों के साइड से कमेंट आते थे कि विकलांग है लड़की, कैसे शादी होगी, मतलब अक्सर निगेटिव बातें उनके लिए हुआ करती थी. और उनके पिता ये बातें समझ रहे थे अच्छे से कि अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं सकूँगा तो इसको लाइफ, सच में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होगी. तो इनकी सक्सेस के पीछे जो आज डिप्टी कलेक्टर बनी, इनके पिता का बहुत ही सपोर्टिव रोल था. तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गार्जियन को अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर यही हुआ. इनके पिता इनको बहुत तरह से मोटिवेट रखते थे हमेशा कि इट्स ओके, ये लाइफ है, हमें हमारे साथ ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी तो कैसे हमें डील करना है. तो उन्होंने पूरी तरीके से उनको प्रोत्साहित रखा, उनको पढ़ाई के लिए जो भी मटेरियल्स होते थे किसी तरह, वो करके किसान थे वो भी, तो किसी तरह से वो मैनेज कर रहे थे. और बच्ची जो थी रजनी, जो आज डिप्टी कलेक्टर है, वो बहुत अच्छी सी इन बातों को समझ रही थी कि अगर मैं पढ़ नहीं पाई तो मैं इतना अच्छा इस लाइफ को मैं अपने सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी. तो अच्छे से वो पढ़ती जाती हैं और जैसे ही 12वीं उनका क्लियर होता है, वो संविदा में शिक्षक हो जाती है उसी गाँव में. इसके बाद क्या होता है कि शिक्षक होते, मतलब शिक्षक थी वो, काम कर रही थी वहाँ, और साथ में उन्होंने प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई चालू कर दी अपनी, साइड में उनका कॉलेज भी होता गया. इसके बाद जब उनका रुझान देखा कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स पूरी तरीके सपोर्ट कर रहे थे, उनके जीजा जी पूरी तरीके सपोर्ट कर रहे थे, फिर उनको बोला गया कि आप सिविल सर्विसेज ट्राई करिए. तो 2012 में उन्होंने सिविल सर्विसेज MPPSC दिया, जिसमें कि उनका मेंस क्लियर हो गया. अब होता क्या है यहाँ पर, फिर एक लाइफ में टर्न आता है यहाँ पे कि वो पेपर लीक होने के कारण, ऐसा लीक टाइप का हो गया पेपर, तो उनका इंटरव्यू रद्द हो गया. फिर से वो एक बार परेशान हो गई, डिप्रेस हो गई. फिर से उनके पिताजी ने उनको पूरी तरीके से प्रोत्साहन दिया, मोटिवेटेड रखा कि बेटा इट्स ओके, लाइफ में सब कुछ कंट्रोल में कई बार नहीं होता है, हमें पेशेंस रखना है. और यही हुआ. होता क्या है कि फिर 2016 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो बच्चे 2012 में पास हुए थे मेंस MPPSC में, उनका इंटरव्यू लिया जाए. और जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, वो पास हो जाती हैं. और ये रही उनकी हैप्पी एंडिंग कि कैसे एक विकलांग लड़की बेचारी अपने, जो विकलांग थे उनको विवश नहीं होने दिया खुद को, उन्होंने अपने आप को पूरा मोटिवेटेड रखा. लाइफ में बहुत सारे टर्नओवर आए, बहुत सारे उनके लोगों की निगेटिविटी सुनी, और उन सब से वो प्रेरित रह रहकर आज डिप्टी कलेक्टर बनी वो. तो गाइज इस स्टोरी के माध्यम से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी होती है. केवल सक्सेस देख के ये नहीं समझना कि कैसे हो गया, क्या हो गया. हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ कठिन परिस्थितियां जो लोग पास करके आते हैं, वही सक्सेस होते हैं. तो रजनी जी से हमें ये सीखना है कि जब वो विकलांग थी, अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखा, उनके पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया, तब जाके वो आज इस मंजिल में पहुंची हैं. तो हम सभी जो सामान्य लोग हैं, हमें भी ये समझना है
कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, हमें इनके साथ पॉजिटिव लेके आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। निराश होके डिप्रेस होके बैठने से हमें कोई सक्सेस नहीं मिलनी है। तो ऐसे इन महान लोगों से जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सक्सेस पहुंच रहे हैं, तो हमें इन लोगों से ये सीखना है कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी स्टोरियाँ लाता हूँ कि लोग समझें कि सक्सेस ऐसे ही नहीं आ जाती, बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं। जब उनमें छोटे छोटे स्टेप में आप पास होते हैं, ऊपर आते हैं, तो आपको लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। फिर बस गाइज, आज का मेरा मुद्दा यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।